हमें आशीर्वाद देते होंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों श्रमजीवियों के वर्षों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, परामबात्री हिंगलाज माताजी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। श्रीधाम श्रीवाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। और मुझे बराबर याद है, मुझे बड़देवगिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक पर्व के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाज और देशकाज का इससे बेहतर उदाहरण भरा क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रवारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रवारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाइयों और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है इसके दर्शन भी हमें वाणीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए
एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर, ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अने आपड़ा उत्तर गुजरात वाणा तो खबर है बराबर के पानी माटे केटली तकलीफो पड़ती थी। बबे 3-3 किलोमीटर माथे बेड़ा लेने जावू पड़तू तो। अने मने याद छे जयरे मैं सुजलाम सुफलाम योजना करी त्यारे उत्तर गुजरात ना कांग्रेस ना धारासभ्य मैंने कही गया था कि साहेब आउ काम कोई ना करी सके अन तबे जे काम करू छे ने ये 100 वर्ष सुधी लोको भूलशे नहीं। एना साक्षी ये बैठा जे साथियों, बीते 2 दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है। गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी
बहुत जल्द।